हेलो बच्चों, कैसे हो? इस वीडियो में तो ये वीडियो तो जनरली सबके लिए है जो सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, 12th में है, 11th में है। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि यार ये जो अपना माइंड है ना, ये जो माइंड है ये कितना पावरफुल होता है। आज एक चीज़ मैं बेसिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें और ये वीडियो कंप्लीट देखें। ध्यान सुनिए बच्चों, मैं एक नेचर का बिलीवर हूँ। मतलब मैं मानता हूँ कि जो नेचर है अपने को उसके हिसाब से रहना चाहिए। तो फिर रामदेव बाबा को ही मानता हूँ, तो रामदेव बाबा बोलते हैं कि भैया आपने सिर्फ ठंडे पानी से आने का है, सीज़न कोई भी हो। तो मैं पुणे में रहता हूँ जैसा कि आप सबको पता होगा। तो पुणे में होता यूँ है कि ठंड बहुत पड़ती है। मतलब ठंड बहुत, मतलब हम पुणे वालों के लिए ठंड है 17 डिग्री, 16 डिग्री, 15 डिग्री पे का टेम्परेचर है। मतलब हमारे लिए ठंड बहुत है। आई एम वेरी श्योर कि नॉर्थ में बहुत खतरनाक टेम्परेचर होता है। तो ये जो वीडियो मैं बेसिकली थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या होता है मेरे साथ। तो मैं सुबह, चूँकि मेरी क्लास पहले पहला लेक्चर मेरा 7:45 बजे होता है, तो लगभग मैं 6:03 या 4 मिनट को नहाने जाता हूँ। तो मैं एकदम ठंडे पानी से आता हूँ, एकदम ठंडे पानी से। और स्पेशली जब ठंड का टाइम था तब भी मैं ठंडे पानी से आता था। और मैं ठंडे पानी से जब नहाता था ठंड में, तो मैं नहा लेता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। मतलब मैं 3-4 मिनट या 5 मिनट में नहा के बाहर निकल जाता था और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। मतलब मुझे ऐसा कभी ठंड भी नहीं लगा एक्स्ट्रा। मतलब मैं नहा लेता था, बाकी लोगों को डिफिकल्ट होता है, बट चूंकि मेरी आदत है इसलिए मैं बड़े आराम से नहाता था। अब क्या हुआ, पिछले 4-5 दिन से पुणे में मार्च का महीना है, थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई है, थोड़ी सी। अब तो हम लोगों ने, मतलब सारे लोगों ने एसी वगैरह ऑन कर दिया। तो अब जो माइंड है उसको क्या समझ में आ गया, मेरा जो माइंड है अब उसको समझ में आ गया कि अभी क्या आ गई है, गर्मी आ गई है। ठीक है, अब गर्मी आ गई है तो माइंड ने ये भी अज्यूम कर लिया कि भाई अब जब हम नहाने जाएंगे बाथरूम में तो पानी गर्म होगा, पानी ठंडा नहीं होगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पानी थोड़ा सा गर्म कुनकुना टाइप का हो जाता है, गुनगुना टाइप का हो जाता है पानी। बच्चों आज मेरे साथ जो हुआ मैं आपको बताऊं कि वो ऐसा था कि मैं गया नहाने, शॉवर ऑन किया, उसके बाद पानी गिरा, इतना मतलब इतना भयंकर ठंडा पानी था कि मैं क्या बताऊँ। आज मैंने जो मेरा 5 मिनट का नहाना है, हालांकि मैं बहुत जल्दी नहा लेता हूँ, आज मैं 2 मिनट में नहा के बाहर आ गया। ना शैम्पू किया, ना साबुन लगाया, आई एम वेरी सॉरी, बट बहुत ठंडा पानी लगा। अब वो गीज़र का तो सिस्टम नहीं है, सोलार वाटर है, तो वो सूरज उगने के बाद गर्म पानी आता है। तो मैं बाहर आ गया। तो फिर मैंने बाहर आने के बाद सोचा कि यार ऐसा क्यों हुआ। मतलब जो आदमी 16 डिग्री 15 डिग्री में एकदम ठंडे पानी से नहाता था और उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी, आज उसको ऐसा क्यों होने लगा कि आज तो टेम्परेचर भी शहर शहर का टेम्परेचर मेरे ख्याल से 24-25 डिग्री था मॉर्निंग में, और ऐसा क्यों हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लगने लगा। तब मुझे समझ में आया कि अपना ब्रेन कितना पावरफुल डिवाइस है, ये ब्रेन चीज़ों को किस हिसाब से एक्सेप्ट करता है और किस हिसाब से अपनी बॉडी को फंक्शन करवाता है, ये पूरा डिपेंड करता है ब्रेन के ऊपर। सो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉस्टिंग डिफिकल्ट लग रहा है, कंपनी लॉ डिफिकल्ट लग रहा है, टैक्स डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आप 12th में तो आपको अकाउंट्स डिफिकल्ट लग रहा है, या कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसके जिम्मेदार आप ही हैं। आपने ही ब्रेन में क्या किया है, एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है कि ये मेरे से नहीं होगा, तो ब्रेन ने भी मान लिया वो चीज़ आपसे नहीं होने वाली, और अल्टीमेटली आप वो चीज़ नहीं करते, और फिर लाइफ टाइम हम क्या करते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं। मैं देखता हूँ कई बच्चों को, दे कम टू द क्लास, 8-10 दिन क्लास होती है, उसके बाद वो मुझसे बोलते हैं कि सर मुझसे सीएस नहीं हो पाएगा, इट्स बिकमिंग सो डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, और अल्टीमेटली वो 3-4 साल बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग लॉ कर लेते हैं, कुछ लोग एमबीए कर लेते हैं, दूसरे कोर्सेज करते हैं, एंड दे एंड अप सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स और दे वर्क फॉर अ कॉल सेंटर, बिकॉज उन्होंने अपने ब्रेन को ही मैसेज क्या भेज दिया है, एक गलत मैसेज भेज दिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है, हर चीज़ डिपेंड करती है अपने ब्रेन पे, अपन क्या सोचते हैं, कि अपना नज़रिया क्या है। एक होता है नज़र रखना और एक होता है नज़रिया बनाना। नज़र रखना अपनी जगह पे, बट नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब भी हम कोई भी चीज़ देखें, चाहे वो सीए का कोर्स हो, सीएस का कोर्स हो, यूपीएससी कर रहा है कोई, एमपीएससी कर रहा है, सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहली जो आपको जीत चाहिए वो अपनी ब्रेन पे चाहिए। अपने ब्रेन को आपने कन्विंस करना है कि वो चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। मेरा ये मैसेज है, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 ब्रेन को खाना खिलाइए, और जब मैं खाना कहूँ, खाने की बात कहूँ, तो ब्रेन को आप पॉजिटिव थॉट्स दीजिए। बहुत ज़्यादा व्हाट वी कैन से एनर्जेटिक हो गया था ऐसी बात करते करते, और ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने ब्रेन को क्या करें, पॉजिटिव फूड्स दें। और हमेशा याद रखिए, मैंने कई बार कहा है कि पॉजिटिव थॉट में बहुत पावर होती है इन कंपैरिजन विद नेगेटिव थॉट्स।
सो प्लीज़ आज से, क्यों ना आज से ही ठान ले यार, जहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता, जब वहाँ पे ये बोलना शुरू करें। मैं कई बार, इनफैक्ट कई बच्चे तो बोर हो गए होंगे ये सुन सुन के, टॉपिक अलग अलग उठाता हूँ, बट अल्टीमेटली हर एक टॉपिक का एंड पॉइंट एक ही है कि आपको अपने ब्रेन को बहुत पॉजिटिवली गाइड करना है। सो लेट्स हैव अ चेक कि आज की एक भी नेगेटिव थॉट हम अपने दिमाग में ना जाने दें। आज से कसम खा लें, सपर शपथ ले लें कि जो भी थॉट्स ब्रेन में जाएंगे, दोज थॉट्स वुड बी वेरी पॉजिटिव। ये सोचना ही नहीं है बच्चों, नहीं हो पाएगा, नहीं करना है, मेरे से नहीं होगा, ये डिफ़िकल्ट है, ये है, कुछ नहीं बच्चों। अगर आपको अकाउंट्स फर्स्ट लेक्चर आपने अटेंड किया, या कंपनी लॉ का आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया, या फिर फाउंडेशन का आपने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया, ट्वेल्थ का फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया, और आपको अगर थोड़ा सा भी लग रहा है ये डिफ़िकल्ट है, ब्रेन को बोलिए, ब्रेन टेक इट ईजी, आसान है, अपन सीख जाएंगे धीरे से, डिफ़िकल्ट नहीं है। और हर एक चीज़ डिफ़िकल्ट थी आसान होने के पहले, ये चीज़ ध्यान में रखिए बच्चों। साइकिल जब मैं छोटा था और लोगों को साइकिल चलाते देखता था, मेरे मन में ख्याल आता था इतने पतले से चक्के, आगे दो पीछे दो, और ये इतनी बड़ी बॉडी का बैलेंस कैसे करते होंगे, और लोग गिरते क्यों नहीं होंगे साइकिल चला के, डिफ़िकल्ट लगता था आपको, फिर बाद में कितना आसान लगने लगा। तो प्लीज़, और ये सब कुछ कहाँ से होता है, अपने ब्रेन से। जितना अपन उस चीज़ को प्रैक्टिस करते ना, अपना ब्रेन उतना प्रिपेयर होता है कि नहीं यार ये चीज़ तो बहुत आसान है, अपन ऐसे ही कर लेंगे। सेम जो मेरे साथ हुआ, जब मैं ठंडे पानी से नहाता था तो मेरा ब्रेन प्रिपेयर था कि ठंडा पानी आए कुछ भी आए, अपन एकदम अपने को, बॉडी को एकदम अच्छे से नहलाना है। लेकिन अभी मेरा ब्रेन क्या हो गया, मैंने ही अपने, सॉरी, फंक्शन किसने करवाया ब्रेन को कि भाई नहीं तेरे को पानी, नॉर्मल पानी आएगा, मैंने ही अपने ब्रेन को बताया कि अब नॉर्मल पानी आएगा ब्रेन, अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ब्रेन ने मेरी लगा दी, क्योंकि वो किसके लिए तैयार था, गर्म पानी के लिए तैयार था, आया क्या ठंडा पानी, तो आई कुड नॉट रेजिस्ट, मुझे बाहर आना पड़ा जल्दी। ठीक है, आई होप ये मैसेज आपके लिए बहुत यूज़फुल है बच्चों। प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए, और मैं बहुत बहुत हृदयपूर्वक आभारी हूँ आप सब बच्चों का, यूट्यूब की पूरी फैमिली का, कि आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, इतना प्यार किया। और डेफिनेटली 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 मेरा भी आपसे वादा है कि मैं कुछ भी करके रोज़ एक दो वीडियो डालूंगा, जिससे आप लोगों को, और मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ बच्चों, ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज है और कुछ ऐसा है। यस, मैंने लाइफ में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो शायद मैं वो एक्सपीरियंस आपसे, आपके साथ शेयर करता हूँ, आपका बड़ा भाई बनके, आपका छोटा भाई बनके। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अपने अपने प्यार की अनुकंपा मेरे ऊपर इसी प्रकार से बनाए रहें। थैंक यू सो मच, लव यू।